स्वागत करता हूँ विजय कुमार बंधु। इनकी डिमांड जायज है बिल्कुल, वो तुरंत भाव से लागू होनी चाहिए और दिल्ली के अंदर हम इसको तुरंत लागू करवाने की कोशिश करेंगे। और मैं जितने भी नॉन बीजेपी नॉन कांग्रेस सीएम्स हैं उनको मैं लिखूंगा और पर्सनली बात करूंगा कि उन राज्यों के अंदर भी इसको तुरंत लागू करवाया जाए। क्या लगता है ये अधिकार है, पेंशन अधिकार है, क्या लगता है आपको? ये इनके साथ गलत हुआ है 2004 में जो ये चेंज किया गया था ये बिल्कुल गलत है। पिछले कुछ दिनों में कुछ कर्मचारी जो रिटायर हुए हैं, रिटायरमेंट के बाद किसी को 900 रुपये पेंशन मिल रही है, किसी को 1000 रुपये, 900 रुपये में अब वो अपनी पूरी जिंदगी कैसे बिताएगा बेचारा। सर आपको लगता है कि आपके यहाँ बहाली करने से, सर आ रहे हैं, दिल्ली विधानसभा के अंदर आज पुरानी पेंशन स्कीम बहाली का प्रस्ताव पारित कर दिया जाएगा। इमरान तुम मत आओ, दिक्कत हो जाएगी, मत आओ इमरान, मत आओ, दिक्कत हो जाएगी। सर बैठिए, नहीं तो आईपीएल वाले दिक्कत करेंगे। बैठिए आप, बैठिए एक बार, बैठ जाइए। दिल्ली विधानसभा से प्रस्ताव पारित होके ये केंद्र सरकार में जाएगा और जैसे मैंने केंद्र सरकार से लड़ के बाकी काम कराए ये वाला काम भी आपका मैं केंद्र सरकार से लड़ के कराते रहूंगा। दूसरी बात, मेरी जिन जिन अन्य राज्यों में मुख्यमंत्रियों से जान पहचान है, मैं ममता बनर्जी जी से बात करूंगा, मैं चंद्रबाबू नायडू जी से बात करूंगा, मैं केरल के मुख्यमंत्री से भी बात करूंगा, मैं कर्नाटक के मुख्यमंत्री से भी बात करूंगा, उनको मैं चिट्ठी लिखूंगा और उनको सबको मैं कोशिश करूंगा कि अपने अपने राज्य के अंदर वो पुरानी पेंशन की बहाली करने की कोशिश करें।